Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Demand Curve. जैसा कि previous lecture में हमने Demand Schedule के topic को discuss किया था, इसी के आगे बढ़ते हुए हम आज के lecture में Demand Curve के topic को discuss करेंगे. Demand Curve का मतलब क्या होता है? जब हम Demand Schedule को graphical way में represent करते हैं तो हमें जो ग्राफ ऑप्टेन होता है इसके बेसिस पर उसे हम डिमांड कर्व का नाम देते हैं. इट मींस दैट डिमांड कर्व इज सिंपली अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल व्हिच इज एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी. यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में उसके डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर इसकी डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पर्टिकुलर कर्व को हम डिमांड कर्व का नाम देते हैं. क्योंकि डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल. इसी वजह से जो डिमांड कर्व्स हैं ये भी दो टाइप के होंगे. द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड वन इज नोन एज द मार्केट डिमांड कर्व. नाउ कम एंड टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्या होगा? इट इज द कर्व विच रिप्रेजेंट्स different quantities of the commodity demanded by a single consumer at different possible prices of the commodity. यानी कि जब different possible prices पर किसी भी commodity की quantity demanded को हम एक single consumer के point of view से curve के medium से represent करते हैं तो हम ऐसे curve को individual demand curve का नाम देते हैं. ग्राफिकल वे में इसको मैंने ड्रॉ किया है एंड दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइजेस को शो किया है. क्वांटिटी डिमांडेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड प्राइस इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज पर यूनिट. यहाँ जो डिमांड कर्व है दैट इज द डी डी. ये कैसे ऑप्टेन हुआ? वेन द प्राइज इज रुपीज फाइव, वेन द प्राइज इज रुपीज 14, quantity demanded is 5 units, then price decreases from 14 to 13, quantity increases from 5 to 6, again price decreases from 13 to 12, quantity increases from 6 to 7. इस तरह से prices लगातार decrease हो रहे हैं, पहले 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11 और फिर 10, और जो quantity demanded है वो लगातार increase हो रही है क्योंकि इनके बीच में एक inverse relation होता है, पहले 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9. तो इस तरह से मुझे different points यहाँ पर obtain हुए. जब मैं इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाते हुए कर्व को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है जिसको मैंने डी डी से रिप्रेजेंट किया है. ये जो डी डी कर्व है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इसका जो स्लोप है इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि हायर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पर लेसर क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी, जबकि लेसर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पर हायर क्वांटिटी डिमांडेड का केस बनेगा. यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन रहता है जिसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है इसका स्लोप क्या है? इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन एंड दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व. क्या मतलब है मार्केट डिमांड कर्व का? This particular curve represents the graphical presentation of the total of quantities of a commodity demanded by all the consumers in the market at different possible prices. यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में सारे के सारे कंज्यूमर्स को इंक्लूड करते हुए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर उनके द्वारा डिमांड की गई क्वांटिटीज को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो हमें जो कर्व ऑप्टेन होता है इसे हम मार्केट डिमांड कर्व का नाम देते हैं. यानी कि मार्केट डिमांड कर्व को ऑप्टेन करने के लिए हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को ऐड करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करा है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं इसके बेसिस पर कि मार्केट डिमांड कर्व को किस तरह से ऑप्टेन किया जाता है. इसके लिए मैंने सपोज करा है कन्वीनियंस के लिए कि दो ही कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, एक तो ए और दूसरा बी. तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर तीन कर्व के बेसिस पर मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ फर्स्ट कर्व में ए के डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करा है मैंने, सेकेंड कर्व में बीस डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट किया है और थर्ड कर्व में मैंने मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट किया है. ओके, अब यहाँ एक ही बात करते हैं. इन द फर्स्ट कर्व
यू आर लुकिंग दैट ऑन द एक्स एक्सेस मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया इन यूनिट्स और वाई एक्सेस पर मैंने प्राइस को रुपीज़ पर यूनिट्स में डिफाइन किया है. जब प्राइस रुपीज़ 9 पर यूनिट है, डिमांड 8 यूनिट्स की है एक ही रेफरेंस में. ऐसे ही प्राइस 9 से घटकर 8 रह जाते हैं तो जो डिमांड है वो 8 से बढ़कर 9 हो जाती है. ऐसे ही प्राइजेस 9 से 8, फिर 8 से 7, फिर 7 से 6, 6 से 5 रह जाते हैं. और इसी सीक्वेंस में जो डिमांड है वो 8 से बढ़कर 9, 9 से बढ़कर 10 और 10 से बढ़कर 11 हो जाती है एक ही केस में. ऐसी बात करते हैं बी के केस में, तो ये यहाँ हमें एक ही केस में जो डिमांड कर मिलता है इसको मैंने नाम दिया डी डी ए. ठीक है, अब दूसरे कर्व की बात करते हैं. ऐसे जब बी के जो प्राइस हैं तो प्राइस जो है कॉमोडिटी के वो 9 से घटकर 8, 8 से घटकर 7, 7 से घटकर 6, 6 से घटकर 5 रह जाते हैं. तो बी के केस में जो डिमांड है वो 7, पहले 7 रहती है डिमांड, उसके बाद बढ़कर 8 हो जाती है, 8 से 9, 9 से 10. इस तरह से ये डिमांड भी लगातार इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं. अब हमें अगर मार्केट डिमांड कर्व को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल प्राइजेस पर डिमांड को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए की डिमांड और बी की डिमांड को ऐड करके हमें नेक्स्ट डिमांड मिलेगी. तो मैंने यहाँ पर जो स्केल लिया है मार्केट डिमांड के रेफरेंस में वो 15, 17, 19, 21 के हिसाब से स्केल को कंसिडर करा है. क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहले जब प्राइस रुपीज़ 9 पर यूनिट है तब ए की डिमांड है 8 की और बी की डिमांड है 7 यूनिट्स की, दोनों को ऐड कर दिया. 8 प्लस 7 कितने की डिमांड हो गई, 15 यूनिट्स की. उसके बाद जब प्राइस 9 से घटकर 8 रह गए तो ए की डिमांड 8 से बढ़कर 9 हो गई, जबकि बी की डिमांड 7 से बढ़कर 8 हो गई. तो जो नई डिमांड आई वो कितनी आई, 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 17, पहले से डिमांड बढ़ गई. ऐसे ही जब प्राइस और घटे 8 से घटकर 7 रह गए तो ए की डिमांड है 10, बी की डिमांड है 9, टोटल डिमांड हो गई 10 प्लस 9, 19. ऐसे ही जब प्राइस 7 से बढ़कर 6 रह जाते हैं तो ए की डिमांड 10 से बढ़कर 11 हो गई और बी की डिमांड 9 से बढ़कर 10 हो गई. इस तरह से टोटल डिमांड आपकी हो गई 11 प्लस 10 यानी कि 21. तो इस तरह से हमें एक कर्व मिलता है. इन पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे तो हमें कर्व मिलेगा जिसे हम नाम देंगे DDM. ये DDM जो कर्व है वो मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? तो इस तरह से हमें इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व के बेसिस पर मार्केट डिमांड कर्व ऑब्टेन हो जाता है. यहाँ जो मार्केट डिमांड कर्व का स्लोप है इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और स्लोप जो डाउनवर्ड है इसका ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन. इसी वजह से इसका जो स्लोप है इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्या मतलब है डिमांड फंक्शन का? फंक्शन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं हम. अ फंक्शन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम फंक्शन का नाम देते हैं. लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी और दूसरे होते हैं इसके डिटरमिनेंट्स. यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रिलेशन में इसकी क्वांटिटी डिमांडेड और इसके वेरियस डिटरमिनेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं तो जो फंक्शनल रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं इसे हम डिमांड फंक्शन का नाम देते हैं. इट मीन्स डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स. इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स डिटरमिनेंट्स. यानी कि ये जो डिमांड फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड है वो उसके डिटरमिनेंट्स के साथ में किस तरीके से रिलेटेड है. तो इस रिलेशन को हम डिमांड फंक्शन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं. अब हम जब इसके डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं तो इस डिमांड के वेरियस डिटरमिनेंट्स की एक लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करी है. तो यू कैन हैव अ वॉच ओवर द लिस्ट ऑफ द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. द वेरी फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड वन इज द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स. और रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. द थर्ड वन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. द फोर्थ वन इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. फिफ्थ वन इज द एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस इन फ्यूचर. नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन. नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. एंड द लास्ट वन इज द टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजी. तो पहले हम इनके इम्पैक्ट को स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से इनका इम्पैक्ट पड़ता है. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है. यानी कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइजेस अगर डिक्रीज होंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी. तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है. रिलेटेड कमोडिटीज की बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स की. अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है
कि जिस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्लेस पर हम दूसरी कॉमोडिटी यूज़ करें, एक ऑल्टरनेट का यूज़ कर रहे हैं जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट कहेंगे। जैसे टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, कोलगेट का सब्स्टिट्यूट है पेप्सोडेंट। तो ऐसे ही मार्केट में हर गुड्स का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होते हैं तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी इसकी वजह से जो उसके कंज्यूमर्स होंगे वो स्विच कर जाएंगे किस तरफ, ओरिजिनल कमोडिटी की तरफ, और इस ओरिजिनल कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी जबकि इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन होता है यहाँ पर। और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जो ओरिजिनल कमोडिटी है उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। कैसे? मान लीजिए कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कार और पेट्रोल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जिन गुड्स को हम कंबाइंड में यूज या कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। अगर मैं कार के प्राइस को इंक्रीज करता हूं तो कार की डिमांड कम होगी, और कार की डिमांड कम होने से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेट्रोल का कंजम्पशन होगा वो भी कम हो जाएगा जबकि पेट्रोल के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे कार का प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है और गुड्स के प्राइस हैं उनमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं इनकम की। तो कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी कंज्यूमर की, और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है और कंज्यूमर के टेस्ट को फॉलो कर रही है तब उसकी डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज इसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन हो गया, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज इन फ्यूचर, यानी कि अगर फ्यूचर में कंज्यूमर्स के माइंड में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन है तो उसके बेसिस पर उसकी डिमांड पर उसका फर्क पड़ता है। मान लीजिए कंज्यूमर के माइंड में है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो आज की डेट में उसका कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं तो आज की डेट में उसका कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि इनके बीच में हो गया एक डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन। If there is more population of the country, there will be more demand of the goods, and there is less population of the country, there will be less demand of the goods. तो एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया इनके बीच में। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तब तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में डिमांड कम होगी क्योंकि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ से तो डिमांड आएगी, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इनकम का वहाँ से डिमांड नहीं आएगी। इसी वजह से जो टोटल डिमांड होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी। एंड द लास्ट वन इज द टेक्नोलॉजी। जितनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करोगे डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना इन्फीरियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे डिमांड उतनी ही कम होगी। इसी वजह से इसके बीच में भी एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया, सुपीरियर टेक्नोलॉजी मोर डिमांड, इन्फीरियर टेक्नोलॉजी लेस डिमांड। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग वे में डिनोट करा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को पी से, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स को पी ओ से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर को पाई से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को टी से, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज को ई से डिनोट किया है, पॉपुलेशन को पी पी से डिनोट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को आईडी से डिनोट किया है, और टेक्नोलॉजी को मैंने टीई से डिनोट किया है। तो इसके बेसिस पर हम एक प्रॉपर डिमांड फंक्शन को ड्राइव कर सकते हैं, और इसका जो फंक्शनिंग फॉर्मूला होगा दैट विल बी डीएक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी कॉमा पी जीरो कॉमा बाई कॉमा टी कॉमा ई कॉमा पी पी कॉमा आईडी कॉमा टीई, जहां डीएक्स क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बाकी के नोटेशन है इसको मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुका हूं, जैसे P प्राइस ऑफ द कमोडिटी को, PO प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड कमोडिटी को, बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर को, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर को, E रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज इन फ्यूचर को, PP पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को, ID डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, और TE टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिमांड फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये जो डिमांड फंक्शन होता है ये किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड और उसके डिटरमिनेंट्स के फंक्शनल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ओके, थैंक यू।